स्वाद बनारसी में आज स्वाद की जानकारी की जगह जानिए क्या है आज के हालात। स्वाद बनारसी में आपका स्वागत है और आज आइए एक जानकारी से रूबरू होते हैं। इन दिनों देश कोरोना से लड़ने के लिए अपने को तैयार कर रहा है, जिसमें सभी के सहयोग की आवश्यकता है। आइए मिलकर हम सब इस जंग से लड़े और जीते भी। आज के इस अंक में जानिए क्या होता है लॉकडाउन। इन दिनों आप लगातार लॉकडाउन शब्द को सुन रहे हैं, आइए जानते हैं क्या है इस शब्द के मायने। एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के तहत किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार कुछ अहम दिशा निर्देश जारी करती है, जिनमें से एक है लॉकडाउन। इस आपातकाल जैसी स्थिति में सरकार के आदेशों का पालन करना सभी को जरूरी होता है, क्योंकि किसी एक की लापरवाही से हजारों की जान खतरे में पड़ सकती है। देश के कई राज्यों संग यूपी के 15 जिलों को लॉकडाउन किया गया है। इसका मतलब ये है कि इन जगहों पर कोई भी व्यक्ति जरूरी काम के बिना घर से नहीं निकल सकता है। लॉकडाउन वाले जिलों में सभी दफ्तर, कंपनी, दुकानें, मॉल, कैफे, सामुदायिक केंद्र बंद रहते हैं। एक साथ कहीं भी 4 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। सभी को अपने घरों में मौजूद रहने का निर्देश होता है। लॉकडाउन वाले शहर में सभी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक होती है। सभी सरकारी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का संचालन बंद रहता है। लॉकडाउन में कुछ आवश्यक सेवाओं की छूट रहती है, जिनमें एक, राशन और दूध की दुकानें खुली रहेंगी, लेकिन भीड़ ना इकट्ठी हो इसका भी शर्त हुए है। साथ आपात स्थिति में राशन सरकार सीधे घर तक पहुँचाती है। दो, सब्जी और फल की सप्लाई और फूड प्रोसेसिंग यूनिट जारी रहती है। तीन, पेट्रोल पंप खुले रहते हैं, लेकिन ज्यादा भीड़ की संभावना होने पर प्रशासन इसे बंद भी कराया जा सकता है। चार, निजी और सरकारी अस्पताल और मेडिकल स्टोर 24 घंटे खुले रखे जा सकते हैं। पाँच, मेडिकल और स्वास्थ्य संबंधी उपकरण व दवाइयां बनाने वाली कंपनियां खुली रहती हैं। छह, संचार सेवाएं सुचारू रूप से चलने संग बैंक और ATM भी खुले होते हैं। सात, वर्क फ्रॉम होम संग एसेंशियल सेवाओं के ट्रांसपोर्ट करने के लिए वाहन चलते हैं। आठ, जरूरत होने पर किसी भी आवश्यक वस्तु की डिलीवरी सरकार घर घर करा सकती है। आइए अब जानते हैं क्या है दंड के प्रावधान। नागरिकों पर दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर ITC की धारा 188 के तहत कार्यवाही संभव होता है। कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी छिपाने पर भी फर का सामना करना हो सकता है, जिसमें ITC की धारा 269 और 270 के तहत कार्यवाही होती है। लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवा से जुड़े लोग जैसे पुलिस प्रशासन, डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मी और मीडिया कर्मियों संग आवश्यक सामग्री की सप्लाई करने वाले लोग को पूरी सुरक्षा के साथ निकलने की छूट होती है, लेकिन सुरक्षा के तहत इन्हें भी मास्क सहित सुरक्षा के दूसरे इंतजामातों से लैस होना जरूरी होता है। कैसा लगा ये अंक, अपना राय कमेंट बॉक्स में लिखें, साथ ही शेयर और सब्सक्राइब भी करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।